जंगली जानवरों को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अक्सर लड़ना पड़ता है और जिन हथियारों का वो इस्तेमाल करते हैं उनके ही शरीर के अंग होते हैं, चाहे फिर ये हथियार उनके पंजे हो, नाखून हो, जबड़ा या नुकीले दांत हो, या उनका सबसे मजबूत वेपन उनका सींग हो। वैसे ये सींग सिर्फ डराने या मारने के लिए ही नहीं होता, बल्कि ये सींग जानवरों की खास पहचान और उनके शरीर की शोभा भी होते हैं। आज के इस वीडियो में हम 15 ऐसे जानवरों की प्रजातियों के बारे में बात करेंगे जिनके लंबे लंबे और विशालकाय सींग ही उनकी पहचान है। अलग अलग शेप और डिजाइन्स के ये सींग कभी तो इनके बड़े काम आती है तो कभी कभी इनके लिए ही मुसीबत का सबब बन जाती है। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जानवरों के ये बड़े बड़े सींग खतरनाक है भी या सिर्फ शोपीस है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इतिहास में पैदा हुए दुनिया के आज तक के सबसे लंबे सींगों वाले जानवरों की जीवन गाथा। नंबर 15, साइगा। ये हिरणों की एक प्रजाति है और अपनी इस अटपटी नाक के लिए जानी जाती है। अगर इनके सींगों की बात करें तो केवल मेल साइगा के सिर के ऊपर ही सींग होते हैं। देखिए लहराते हुए सींग इन हिरणों के ऊपर कितने सुंदर लगते हैं, और इनके ऊपर ये रिंग्स इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। अगर लेंथ की बात की जाए तो इनके सींग 20 से 40 सेंटीमीटर की लेंथ के बीच में वैरी करते हैं, यानी समझ लीजिए एक एडल्ट आदमी के कोहनी तक के हाथ के बराबर। इनके सींग इन्हें शिकारियों से तो प्रोटेक्ट करते हैं, मगर ये अक्सर तस्करों के निशाने पर होते हैं, क्योंकि ब्लैक मार्केट में इनके सींगों की बड़ी मांग है और इनकी कीमत भी काफी ऊंची है। बड़े सींग होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये खतरनाक होते हैं। ये बड़े प्यारे और अडोरेबल जानवर होते हैं और बेवजह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। नंबर 14, जेकब शीप। ये भेड़ बहुत ही स्पेशल और सामान्य भेड़ों से कई मायनों में अलग है। जो चीज इसे यूनिक बनाती है वो है इनके सींग। ये ऐसे कमाल के जानवर होते हैं जिनके 2 नहीं बल्कि 4 सींग होते हैं, और किन्हीं किन्हीं भेड़ों के तो 6 सींग भी होते हैं। इनके ये सींग बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल किसी खास तरह के राज मुकुट की तरह लगते हैं। लगभग 60 सेंटीमीटर वाले लंबे और नुकीले सींगों वाली ये भेड़े थोड़ी डरावनी तो जरूर होती है और इंसानों पर भी वार करने से पीछे नहीं हटती। इसीलिए ज्यादातर किसान इन्हें पालने से कतराते हैं और इसीलिए बिना सींग वाली भेड़े ही ज्यादातर पाली जाती है। नंबर 13, ब्लैक बग। मुझे मालूम है कि काले हिरण का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक सुपरस्टार का नाम आया होगा, लेकिन हम आज सिर्फ अपने शो के सुपरस्टार खुद काले हिरण के बारे में बातें करने वाले हैं। ये ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं और पहाड़ों पर उछल उछल कर दौड़ने की इनकी कला खाना ढूंढने और जंगली शिकारियों से छिपने में इनकी बड़ी मदद करती है। इसके अलावा खुद को सुरक्षित रखने ये अपने सींगों का भी बखूबी इस्तेमाल करते हैं। इनके सींगों की लेंथ होती है करीब करीब 75 सेंटीमीटर। हल्का सा कर्व लिए ये लंबे सींग काले हिरण को बड़ा सुंदर लुक देते हैं। लेकिन अफसोस, ये जानवर भी शिकारियों और तस्करों के निगाह में लगातार बना रहता है। नंबर 12, बिगहॉर्न शीप। जब भी सबसे खूंखार भेड़ों की बात की जाएगी, बिगहॉर्न शीप का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। जरा देखिए तो इनके इन मोटे मोटे और कर्ली हॉर्न्स को। इनसे हमेशा बच के रहने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये कभी भी हमला कर सकती है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि पूरी जिंदगी इनके ये सींग बढ़ते ही रहते हैं और इनकी लेंथ पहुंच जाती है करीब 90 सेंटीमीटर तक। लेंथ के साथ साथ इनका वजन भी बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब इनके सींगों का वजन इनकी पूरी बॉडी में मौजूद सारी की सारी हड्डियों के वजन से भी ज्यादा हो जाता है। लगातार सींगों का बढ़ना इनके लिए भारी मुसीबत बन जाता है। ये देखिए, ये साल 2014 की बात है जब एक भेड़ के सींग इस तरह से बढ़ते रहे कि उसके अपने चेहरे में ही घुस गए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। नंबर 11, बफलो। सींगों की बात हो रही हो और इन विशालकाय जानवरों का नाम ना आए ऐसा भी भला हो सकता है क्या कभी? दुनिया में 2 तरह की भैंसों की काफी बातें होती है, एक अफ्रीकन बफलो या के बफलो जिसके ताकत और दम का कोई मुकाबला नहीं, और दूसरी एशियन वाटर बफलो जिसके सींगों का कोई जोड़ नहीं। ताकत के मामले में भले के बफलो वाटर बफलो को पीछे छोड़ दे, मगर जब सींग की साइज और लेंथ की बात आती है तो वाटर बफलो बहुत आगे निकल जाती है के बफलो से। इनके सींगों की साइज करीब करीब 119 सेंटीमीटर तक हो जाती है,
इतने बड़े सींगों के साथ ये भैंस किसी दानव से कम नहीं लग रही है। 1955 में तो एक ऐसा केस दर्ज किया गया था जहां एक भैंस के दोनों सींगों की टोटल लंबाई करीब 422 सेंटीमीटर से भी ऊपर पहुंच गई थी। अब अगर बात करें कि ये बड़े बड़े सींग इनकी कमजोरी है या ताकत, तो ऑब्वियसली ये इनकी ताकत ही है जो इन्हें दूसरे शिकारी जानवरों और अपने ही बिरादरी की भैंसों से लड़ने में मदद करते हैं। और इसलिए जब इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये बहुत भयानक और खूंखार हो जाती है। नंबर 10, स्मिटर हॉर्न्ड ओरेक्स। ये देखिए कितने खूबसूरत सींग है इस हिरण के। शरीर के हिसाब से ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा जानवर नहीं है, मगर इतना बड़ा जरूर है कि करीब 120 सेंटीमीटर लंबे सींगों के वजन को उठा सके। वैसे तो ये जानवर बड़ा ही लवेबल है और किसी को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाता। हाँ, मगर बिल्कुल तीर की तरह सीधे और दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगने वाले इन सींगों की वजह से इन्हें कुछ इंसान बुरी नजर से देखते हैं। इनके सिर से ज्यादा ये सींग उन्हें अपने ड्राइंग रूम में सजे हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसीलिए इनकी संख्या लगातार कम हो रही है और अब ये ज्यादातर जू में ही देखने को मिलते हैं। नंबर 9, जॉइंट ईलैंड। ये भी एक प्रकार का हिरण ही है, मगर साइज में थोड़ा सा बड़ा। अब शरीर की साइज इतनी बड़ी है तो ये बड़े बड़े सींग भी आसानी से अफोर्ड कर सकता है। इस स्पीशीज में भी मेल और फीमेल के सींगों की साइज में बड़ा अंतर होता है। जहां मेल के सींगों की साइज करीब 123 सेंटीमीटर तक हो सकती है, तो वही फीमेल ईलैंड के सींगों की साइज करीब 70 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये जानवर सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता है और बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होता। शुरुआत में कर्व लिए हुए इनके सींग टॉप पर जाकर एकदम नुकीले हो जाते हैं। आप बस ये समझिए कि ये सिर्फ दिखावटी सजावट है, ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने सींगों का इस्तेमाल नहीं करते। नंबर 8, रास्पुटिन गोट। जरा देखिए तो इस आधी काली आधी सफेद बकरी को। इसका नाम रास्पुटिन है और इनका नाम 2017 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है इसके सींगों की वजह से। जी हाँ, इसके सींगों की टोटल साइज है 135.2 सेंटीमीटर। ये आज तक के किसी भी बकरी के सबसे बड़े सींग है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत खतरनाक होगी या हर कभी हमला कर देती होगी। दरअसल इस बेचारी ने तो आज तक अपने जीवन इतिहास में एक बार भी किसी पर भी हमला नहीं किया। इस बकरी को तो शांति का नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। नंबर 7, स्वैम्प डियर। जब बात आती है सबसे खूबसूरत और शाही सींगों की, तब बारहसिंगा का नाम आना तो लाजमी है। इनके सींग पूरी तरह से हड्डियों से बने होते हैं और खूब सारी ब्रांचेस में होते हैं। धीरे धीरे समय के साथ ये मजबूत भारी होते चले जाते हैं और इनकी ब्रांचेस भी बढ़ती जाती है। बाद में इन्हें स्वैम्प डियर किसी मजबूत चीज से अपने एंटलर्स यानी कि फैले हुए सींगों को रगड़ रगड़ कर तोड़ते हैं ताकि वजन कम किया जा सके। मगर इस पेनफुल प्रोसेस के बाद ये वापस उगने लगते हैं, मतलब कि ये शाही सींग इनके लिए बून नहीं बेन है। अभी तक सबसे ज्यादा एक स्वैम्प डियर के सिर पर 57 ब्रांचेस रिकॉर्ड की जा चुकी है। नंबर 6, राइनो। जी हाँ, भेड़ हिरण गाय बकरी और भैंस के अलावा एक और जानवर है जिसके सिर पर सींग होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि इनके सींग सामने नाक के ऊपर होते हैं। एक सींग वाला गेंडा भारत के असम राज्य में पाया जाता है, वही दो सींगों वाले गेंडे अफ्रीका में होते हैं। दो सींगों वाले भी दो तरह के होते हैं, व्हाइट राइनोस और ब्लैक राइनोस। अगर इनके सींग की लेंथ की बात की जाए तो व्हाइट राइनोस के सींग की लेंथ ब्लैक राइनोस के सींगों के मुकाबले ज्यादा होती है। ये मैक्सिमम करीब 150 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। अपने सींगों का इस्तेमाल ये दुश्मनों से बचाव और दूसरे गेंडों से लड़ाई के लिए करते हैं। इसके अलावा खाना पानी खोजने में भी ये सींग बड़ी मदद करते हैं। और आपको एक झटका दूं, राइनोस के सींग किसी हड्डी से नहीं बने होते, बल्कि वो एक बाल होता है जो कि केराटिन की परत से बना होता है और इतना मजबूत होता है कि मगरमच्छ के मोटे चमड़े को भी छलनी कर जाए। मगर इन सींगों की वजह से ही ये तस्करों और इंसानी शिकारियों की नजरों में हमेशा बने रहते हैं और इसलिए दिन ब दिन इनकी संख्या भी लगातार कम हो रही है। नंबर 5, मार्कोर गोट। सेंट्रल एशिया के पहाड़ों पर पाया जाने वाला ये जानवर बड़े ही खूबसूरत और कर्ली सींगों का मालिक है। बर्फीले इलाकों में रहने के कारण इनके शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं और एक बड़ी सी दाढ़ी भी होती है। ये दाढ़ी और करीब 160 सेंटीमीटर लंबे सींग मिलकर इसे बड़ा भयानक लुक देते हैं।
वैसे ये जितने भयानक दिखते हैं उतने होते नहीं है। इनके ये बड़े और सुंदर सींग इनके जीवन के लिए सबसे बड़ी आफत है, क्योंकि इंसान नाम का सबसे खूंखार जानवर इनके सींगों के लिए इनकी हत्या कई सालों से करता चला आ रहा है। नंबर 4, भौरल। हिमालय की पहाड़ियों पर पाए जाने वाली भेड़ों की ये प्रजाति ब्लू शीप के नाम से भी जानी जाती है। और सबसे कमाल की बात है कि इसके शरीर पर कहीं भी ब्लू रंग नहीं होता। हाँ, मगर सींगों के मामले में इनके बारे में जो बातें की जाती है सारी सच है। इनके सींग बाहर की ओर मुड़े हुए होते हैं और पीछे की तरफ घूमते जाते हैं। मेल भारल के सींग कभी कभी 165 सेंटीमीटर तक भी लंबे हो जाते हैं। फीमेल भारल के सींग मेल की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं। और ज्यादातर भेड़ों की तरह ये भेड़ भी बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। नंबर 3, अफ्रीकन वाटूसी। ये काव की एक प्रजाति है जिसे नॉर्मली किसान डोमेस्टिक यूज के लिए पालते हैं। इनके सींगों की साइज बढ़कर कभी कभी 200 सेंटीमीटर तक भी चली जाती है। और एक चीज जो इनके सींगों को सबसे स्पेशल बनाती है वो ये है कि इनके सींग अंदर से खोखले होते हैं, यानी इनके अंदर बहुत सारे छेद होते हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेट करता रहता है, जो इन्हें अफ्रीका की गर्मी को बर्दाश्त करने के काबिल बनाता है। इसके अलावा इनके सींगों की मोटाई भी बाकी किसी भी स्पीशीज के सींगों की मोटाई से ज्यादा होती है। नंबर 2, नॉर्वेल। अब जरा पानी में रहने वाली इस एनिमल के सींग के बारे में बात करते हैं। नॉर्वेल्स गहरे समुद्री पानी में रहती है और इसलिए दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने इसे देखा है। नॉर्वेल्स के बारे में जो सबसे स्पेशल चीज है वो है इनके सर पर ये लंबा सा सींग। यही वजह है कि इन्हें पानी का यूनिकॉर्न भी कहा जाता है। दरअसल ये कोई सींग नहीं है बल्कि एक बड़ा हुआ दांत है जो बाहर बहुत लंबा निकल जाता है, बिल्कुल हाथी की तरह। इनके सींग या कह लीजिए दांत की लंबाई करीब 300 सेंटीमीटर के आसपास हो सकती है। इस सींग का यूज ये पानी में अपने शिकार को फंसाने के लिए करती है। नंबर 1, लॉन्ग हॉर्न काव। और पहले नंबर पर आती है लॉन्ग हॉर्न काव। इसके सींग देखिए तो जरा, देखकर लगता है जैसे कोई पर्वत उखाड़ कर भी फेंक सकती है ये। इस गाय को दो अलग अलग गायों के हाइब्रिड से तैयार किया गया है। इसके सींगों की लेंथ करीब करीब 257 सेंटीमीटर तक चली जाती है और इन सींगों के वजन को उठाने के लिए ये गाय केपेबल भी है। ये बड़ी मजबूत और बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी की मालकिन होती है और भारी भारी काम भी आसानी से कर लेती है। इसलिए किसान इन्हें खेती के कामों में इस्तेमाल करते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, पोंचो नाम की इस गाय की एक सींग की टिप से लेकर दूसरे सींग की टिप तक की साइज है करीब 320 सेंटीमीटर। वाओ, इस गाय का नाम अपने बड़े बड़े सींगों के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। आप इस गाय और इसके सींगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनमें से किस जानवर की सींग आपको सबसे कमाल के लगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।